अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत? अच्छा तो भाई, इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं निकल रहा हूँ पंजाब के लिए। पंजाब की तरफ जाएंगे। रास्ते के क्या हालात, मामला, सूरत हाल है, क्या सीन है, सब आपको अपडेट करते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। रास्ते में पहुंचे हैं तो अभी एमटेक पे खड़े हुए। अब आपको पता है जिस तरह से विदाउट एमटेक गाड़ियां जो है मोटर में अलाउ नहीं है, तो अब लगाते हैं स्टिकर एमटेक का, देखते हैं क्या सीन है। शनाख्ती कार्ड वगैरह और गाड़ी के पेपर, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होती है, देखते हैं क्या होता है। ये इसके अंदर बार कोड स्कैन कैसे करेगा? ये इसके अंदर चिप लगेगा, उसी के थ्रू स्कैन। अच्छा, अच्छा। और अगर इसको बैलेंस डलाना हो तो बैंक के थ्रू भी हो जाएगा, वन लिंक है इसके अंदर। तो फिलहाल मोरो पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे नमाज के लिए और खाने वाने के लिए रुके हैं। तो देखते हैं यहाँ के क्या सीन है, क्या व्यूज़ है, आपको भी चेक करा दूँ। ये है यहाँ का कुछ खूबसूरत सा व्यू। व्यू माशाल्लाह आप चेक करें, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। इस वक्त मोरो पे मौजूद है, इस तरह आपको बताया। रात का वक्त धुंध भी हो रही है हल्की हल्की, तो ये भाई हमारे यहाँ चाय बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हाँ भैया, क्या हाल है? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह, चाय वाय बन रही है स्पेशल। हाँ
फ्रेश चाय एकदम पंजाब की चाय, जबरदस्त चाय, थोड़ी कड़क बनाइएगा यार भाई साहब। आप यहीं रहते हो? कहाँ पे? दाहिर पे। अच्छा, तो ये यहाँ पे लोग कैसे आते जाते हैं, आप कैसे ट्रैवल करते हो? नहीं, यानी कि यहाँ पे आप घर आपका कितनी दूर है? घर सर बाइक पे जाते हैं 2 किलोमीटर। तो ये मोटर वे से ही जाते हैं बाइक पे? हाँ, नहीं नीचे से जाते, नीचे से जाते, अलग रास्ता है, अलग रास्ता है, मोटर वे पे कोई बाइक वगैरह अलाउ नहीं है ना। चले यार, ये भाई हैं हमारे, क्या नाम है दोस्त आप? बिलाल। बिलाल भाई हैं यहाँ, ये ढाई पीर में होते हैं अभी, ज़बरदस्ती चाय बना के देंगे हमें, देखते हैं इनकी चाय कैसी बनती है। शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। के साथ अपनी जो है डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए। तकरीबन 850 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, जो हमने कोई 12-13 घंटे में क्रॉस करा। रास्ते में थोड़ी सी धुंध मिली थी, लेकिन अलहमदा अब आ गए। अच्छा, मेरे पास ये एक आया है ऑक्सवा एक्सलिम प्रो, लिया था तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग जो है मैं आपको दिखाऊँ, आपको शेयर करूँ। लेदर के अंदर है ये, और एयर फ्लो कंट्रोल, एंटी लीकिंग टॉप फिल, 8 GB लाइट्स, 1000 mAh बैटरी, सारी चीज़ें ये जो है ऑफ़र करता है। तो उसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। लुक तो यार बड़ी प्यारी आ रही है इसकी, लेदर फिनिश के अंदर है। अच्छा, एयर का इसमें जो है यहाँ पे एक दिया हुआ है सिस्टम, इसको हार्ड और लाइट आप कर सकते हैं। ये इसकी चार्जिंग का स्पेस है। अच्छा ये देखेंगे इसकी LCD वगैरह, और इसमें ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, ये जो कैच करता है इसको। अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या आया है। अच्छा, हमारे पास एक तो आई इसकी चार्जिंग केबल। अच्छा, ये बैंड है अगर गले वगैरह में आपने डालना, और ये एक्स्ट्रा कॉइल भी आया है इसके साथ। इसका बहुत अच्छा है ये सिस्टम इसका, और फ्लेवर यहाँ से डलेगा इसका, इसको ओपन करके जो है वो डालना पड़ेगा। तो इसको फ्लेवर डाल के थोड़ी देर छोड़ के मैं जो है आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है वरना इसकी कॉइल भी जो है ख़राब हो जाती है। इसको मैं फ्लेवर डाल के थोड़ी देर छोड़ के आपके पास। अच्छा, ये हो गया, इसमें फ्लेवर डाल दिया, थोड़ी देर हो गई है, तो इसको जो है चेक करते हैं क्या। बड़ा स्मूथ है यार ये तो। इसको थोड़ा सा एयर फ्लो कंट्रोल को हाफ पे करा मैंने। अब थोड़ा ये हार्ड हो गया, यानी इसको आप जितना ऊपर करेंगे उतना हार्ड और लाइट इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ का मार्केट में अवेलेबल है। और ये मुझे जो है लेदर जो कवर वाला है ये चाहिए था, ये काफ़ी शॉर्ट था, मार्केट में मुश्किल से मिला है, लेकिन अलहमदिल्ला मिल गया। और इसका लुक और इसकी ग्रिप वगैरह जो है ना बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी अगर लेना चाहें तो लें, इसको यूज़ करें। ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये, मार्केट से भी आजकल तो वेब की काफ़ी जो है शॉप्स खुल गई हैं, तो ये आप ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। माशाल्लाह वेदर यहाँ पे बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है, और धुंध का आलम ऐसा है कि बस आपके सामने आप चेक करें। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी कम हुई है धुंध, सूरज निकला है तो, वरना तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। बहरहाल ठंड भी अच्छी है, धुंध भी अच्छी है, तो यहाँ पर है, मेरे मुँह से तो धुएँ निकल रहे हैं, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं क्या सीन है यहाँ के। अबे भाई, ये तो रिमोट को भी सर्दी लग गई, तो काम ही नहीं कर रहा। तो ये एक्स्ट्रा रिमोट में लाया था गाड़ी के चाबी में, ये काम कर रहा है। तो ये हालात हैं यहाँ के जो है ना, कुछ पता नहीं होता ठंड में क्या चीज़ कब बंद हो जाए। गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट हो गई है, थोड़ा हार्ड सेल्फ लिया है ठंडी की वजह से।